आपको क्या लगता है, पैसे मिलेंगे अपने? क्यों नहीं मिलेंगे, अब हमने तो अपना काम ठीक से ही किया था। बाकी इलेक्शन जीतना इनके लिए मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन था, और ये बात तो ये भी पहले से जानते थे। लेकिन मैम, जब इनको पहले से ही पता था कि हारना है, तो मुझसे इतनी तुकबंदियाँ क्यों लिखवाई और अपने पैसे क्यों वेस्ट किए? अरे कवि महोदय, पैसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किए थे। इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, राहुल भैया की इमेज बिल्डिंग करने के लिए। अब वो युवराज से पार्टी के महाराज बनने जा रहे थे, तो कुछ तो माहौल तैयार करवाना था ना। यस, ही इज राइट। अपनी फेक प्रोडक्ट के फेक पब्लिसिटी का काम इन्होंने हमें दे दिया था। फेक पब्लिसिटी? कवि भाई, वो डील के वक्त तुम थे नहीं ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे वो इन्होंने अपने दो चार लोग सेट कर दिए थे, जो कि मीडिया सोशल मीडिया पर इनके गाने गाते थे, तो पब्लिक को लगता था राहुल भैया तो हिट हो गए हैं। फिर क्या, उन दो चार लोगों ने अपनी जेबें भरी और अब वो मौज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? अरे अब उन लोगों को कब क्या कैसे बोलना लिखना है, ये सब हमने ही तो प्लान किए थे। और क्या, फेक पब्लिसिटी के मास्टरमाइंड तो हम ही थे। मैम, ये लोग इतने फेक हैं, कहीं हमारे पैसे ना डूब जाएं। डोंट वरी, पैसे नहीं डूबने वाले, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, और जिस चीज की कमी है वो तो इन्हें पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलने वाली है। नित्या जी, गुजरात तो हाथ नहीं आया, लेकिन नाप का काम शानदार रहा। बाबा के लिए फेक माहौल बढ़िया तैयार किया था आपने। भाई, जीने की वजह चाहिए, कुर्सी ना मिले तो गलतफहमी ही पाली है। नित्या जी, ये रहा आपकी टीम का चेक, बस अगला इलेक्शन आने दीजिए, फिर याद करते हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।